और वहीं कैग के निशाने पर उत्तराखंड सरकार है। कैग की रिपोर्ट में आपदा के दौरान सरकार की लापरवाही उजागर हुई है। आपदा से संवेदनशील 31 गांव को बचाया जा सकता है, रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। सरकार की लापरवाही से पूरी तरह गांव खत्म हो गए थे। गांव खत्म होने से 4408 परिवार प्रभावित हुए हैं। सरकार के पास लोगों का पुनर्वास कराने की पॉलिसी नहीं है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आपदा के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी सवाल उठाए गए हैं। स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में सरकार की कई नाकामियां रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार जनपदों में त्वरित कार्रवाई दल गठित ही नहीं किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार ब्लॉक स्तर पर बिना डॉक्टरों वाली रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई थी। पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग से आपदा के बाद दवाएं भी खरीदी गई थी। तो बता दें आपको, कैग में लगातार खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार जो है वो सवालों के घेरे में है। पंकज पवार उत्तराखंड ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, लगातार उत्तराखंड सरकार जो है वो सवालों के घेरे में आ रही है, क्योंकि लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं रिपोर्ट में। देखिए, समाचार प्लस सबसे पहले जो कैग की रिपोर्ट समाचार प्लस ने अब जनता के सामने रखी, और जो आपदा के दौरान घपले घोटाले राज्य सरकार ने किए और उनके अधिकारियों ने किए, उन तमाम चीजों को समाचार प्लस ने सामने रखा है। पिछले चार दिनों से लगातार समाचार प्लस कैग की रिपोर्ट के हवाले से तमाम खुलासे कर रहा है। ऐसे में एक बार फिर खुलासा हुआ है कि जो तमाम 31 गांव थे जिनको पुनर्वासित किया जा सकता था और साफ तौर पर संवेदनशील थे, उनको बचाने की कोशिश तक नहीं की गई। और उसकी वजह से जब आपदा 2013 में आई तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं मिशन नाबूद हो गए, वहां से खत्म हो गए और साफ तौर पर कई परिवार उससे प्रभावित हुए हैं। ऐसे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं की भी स्थिति बिल्कुल लचर बताई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2013 में लोगों को बचाने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग है उसके पास दवाएं तक नहीं थी जिलों में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल बिल्कुल सवाल तमाम तरीके खड़े हो रहे हैं सरकार पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।